है उसका नाम रहने वाला है ऑर्किड लैंड प्लानर्स जो लोकेटेड है आपके जरखपुर में कनेक्टेड uh, रहेगी आपके तीन मेजर ट्राई सिटी के हाईवे के साथ जो uh, मैं मेंशन भी कर चुकी हूँ पहले तो इट्स अ कंप्लीट 60 एकर्स टाउनशिप एचएलपी एल पाम वालाज उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट uh, मिल जाएगा औरकिड लैंड प्लानर्स जिसमें हम आज देखने वाले हैं थ्री बी के अपार्टमेंट इन वन फिफ्टी यार्ड बात करते हैं अम्यूनिटीज़ के बारे में तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी जैसे कि टाउनशिप के अंदर आपके तीन क्लब हाउस रहने वाले हैं जिसमें आपकी मल्टीपल इम्यूनिटीज़ आ जाएंगी जैसे कि आपके जिमनाजियम आपके स्विमिंग पूल्स किट प्ले एरियाज आपके स्पलैश पूल्स मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पार्कस की तो यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया तो सेपरेट मिलने ही वाला है साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेवनटीन टू एटीन पूरे टाउनशिप के अंदर पार्क मिलने वाले हैं जिनमें आपकी अगेन डिफरेंट इम्यूनिटीज आ जाएंगी कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बात की थी कि तीन मेजर हाईवेज़ के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वो आ जाते हैं आपके सबसे पहले पी आर सेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड सेकेंड आ जाता है आपका पटियाला चंडीगढ़ हाईवे थर्ड आ जाता है आपका अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे इन तीनों हाईवेज़ को आप इस लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं तीनों जगह पे जिस भी लोकेशन की तरफ आपको जाना हो आप इजीली यहां से हेड कर सकते हैं सो so, मैं आपको टाउनशिप के बारे में बता चुकी हूँ कितने एकड़ की है क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं कनेक्टिविटी इम्यूनिटी सारी चीजें अब हम शुरू करते हैं हमारे फ्लैट का टूर तो सबसे पहले हम आ, रूफ टॉप से ही शुरू करते हैं ये जो आपका रूफ टॉप है ये एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके जो राइट होंगे वो टॉप फ्लोर के पास रहेंगे टोटली ये जो फ्लोर आपका रूफ टॉप, टॉप आ जाएगा इस पे सिर्फ जो टॉप फ्लोर वाले हैं वही आ सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली हैं ये गजीबो आ जाएगा एज इट इज ऐसा बना हुआ नीचे आपका ये ग्रीन ग्रास आप देख सकते हैं ये पाथवेज आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे टाइल्स के बने हुए आपके साथ ही साथ यहाँ पे आपको बाबिक की फैसिलिटी भी मिल रही है तो जब भी आपके पास टाइम हो आप एंजॉय करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ पार्टी करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट भी कर सकते हैं अपने घर पे तो ये सारी चीजें जो टॉप फ्लोर वाले होंगे उनको इन एम्यूनिटीज का एक्सेस मिलेगा सारा फ्लोर सारा ये रूफ आपका ही होगा सो so, ये थे हमारी रूफटॉप की बात अब आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ एंड बाकी चीज़ें मैं आपको वहां पे बताऊंगी सो so, गाइस कुछ इस तरीके का हमारा कॉरिडोर एरिया रहने वाला है एक फ्लोर पे दो अपार्टमेंट्स रहेंगे यहाँ स्टे केस आ जाएगा सेंटर में लिफ्ट रहेगी एंड यहाँ है हमारा आज का सिंपल अपार्टमेंट जिसमें जो आप डोर देख रहे हैं कुछ इस तरीके का डोर रहने वाला है जिसमें आपके कुछ एंटीक सा लुक आ रहा है डोर में एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो आ जाती है वो इस साइड वाला डोर रहेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों में से चूज कर सकते हैं आपको जिस भी स्टाइल का डोर लगवाना है वो आप लगवा सकते हैं सो दिस इज दिसंपल अपार्टमेंट जो आपका डोर रहेगा वो आपका विद डिजिटल लॉक रहने वाला है सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा सिक्योर्ड अपार्टमेंट रहेगा एंड साथ में आपकी गेटेड टाउनशिप भी है तो कुछ इस तरीके का हमारा अपार्टमेंट रहने वाला है जैसे आप एंटर करेंगे इस साइड आ जाएगा हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया उस साइड रहेगा आपका किचन एंड इस साइड आ जाएंगे आपके कंप्लीट रूम्स तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइंग एरिया की तो आप देखिए कुछ इस तरीके का स्पेस है फाइव टू सिक्स सीटर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सेंटर में आपका टेबल आ जाएगा सामने वाली वॉल पे आ जाएगा आपके एलईडी पैनल के लिए स्पेस जहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं पीछे आपका विंडो आ जाएगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन पूरे घर में आपका जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप ये लाइटिंग भी देख सकते हैं ब्यूटीफुल सी सारी आपकी एज इट इज रहने वाली है आपका जो फ्लोरिंग रहेगा वो भी सारा आपका सेम रहने वाला है इस साइड आ जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस जो आप देख सकते हैं प्रॉपर डाइनिंग टेबल यहाँ पे आपका लगा हुआ है तो इस तरीके का कुछ स्पेस आ जाएगा इन्होंने यहाँ पे सिक्स सीटिंग ऐड कर रखी है आप इसको कम करना चाहते हैं ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग वो भी आप कर सकते हैं इस तरफ एक डेडिकेटेड पूजा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं पूजा स्पेस बना सकते हैं स्टोर अगर आप इसको बनाना चाहें वैसे भी कर सकते हैं पूरे ही घर में जो आपके स्विचेस रहेंगे वो आपके वह टच पैनल रहेंगे नॉर्मल स्विचेस भी रहेंगे एंड टच पैनल के साथ भी सारे स्विचेस आ जाएंगे एंड आफ्टर दिस यहां आ जाएगा हमारा फुली मॉडलर किचन एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं आपका चिमनी एंड हॉब भी विद द विदर्चे आपको प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले इस साइड बात कर लेते हैं तो ये आपका कुकिंग काउंटर है कंप्लीट जहां पर आपका हॉब चिमनी प्लेस है अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे आपके गैस पाइपलाइन की फैसिलिटी रहेगी यहाँ पे आपकी देन लोअर कैबिनेट्स की अगर हम बात करेंगे विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे कंप्लीट डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स हैं कमिंग जो दिस साइड यहाँ पे आपका ये पूरा स्लैब आ जाएगा साथ में आपका जो सिंक रहेगा जिसमें आप ये फोसेट भी देख सकते हैं गीजर आर ओ वगैरा सारा आपको विद द परचेज प्रोवाइड किया जाएगा uh, नीचे अगर इस साइड में कैबिनेट की बात करूंगी अगेन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं तो स्टोरेज के लिए काफी सारा स्पेस आपका किचन में रहने वाला है यहाँ पे आ जाएगा आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस uh, जहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा फ्रिज यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है आप भी इससे बड़ा फ्रिज अगर आप लगाना चाहें वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्पेस काफी है यहाँ पे आ जाएगा हमारा बालकनी जो आपके किचन के साथ अटैच रहने वाला है सो so ये जो बालकनी है आपके किचन के साथ एंड आपके फर्स्ट बेडरूम को भी कनेक्ट करता है स्पेस आप देख सकते हैं बालकनी का एंड जैसे अपना वॉशिंग वगैरह का कोई एक्टिविटी करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि टैप्स वगैरह सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगे Uh, सामने रेलिंग की अगर मैं बात करूंगी तो विथ टफन ग्लास आपकी रेलिंग आ जाएगी एंड काफी स्ट्रॉन्ग रेलिंग मिल रही है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज सो ये था हमारा किचन ड्राइंग डाइनिंग में आपको दिखा चुकी हूँ अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में सो so, इस साइड आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसका साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आपका बेड इंस्टॉल्ड है uh, पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे इस पर कंप्लीट आपका वॉलपेपर वर्क आ जाएगा इस साइड हमारे कब आ जाएंगे जिनका लेआउट कुछ इस तरीके का रहेगा नीचे भी स्पेस है ऊपर भी स्पेस आ जाएगा सामने वाली वॉल पे आपके एलईडी डी पैनल के लिए स्पेस रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मिरर वगैरह भी लगा रखा है तो अपना ड्रेसिंग टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं इधर इसमें भी आपका जो बालकनी है वो पूरा कनेक्टेड रहने वाला है जो मैंने आपको किचन से दिखाया है वही बालकनी इसके साथ ही कनेक्टेड रहेगा जो इसके डोर रहने वाले हैं वो विद आपके टफन ग्लासेस रहेंगे जो आपके साउंड प्रूफ होते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन वॉशरूम जो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा प्लस आपके गेस्ट वगैरह भी इसको यूज कर सकते हैं तो इसमें आप स्पेस देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम ही आपका रहने वाला है जिसमें आपका स्टार्टिंग में बेसिन आ जाएगा मिरर वगैरह लगा हुआ है आपका पैनिटी है यहाँ पे आपका सीट आ जाएगा जो आपको बी सिस्टम के साथ मिल रहा है बहुत कम जगह पे ये चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे ये यह आ जाएगा कंप्लीट हमारा बाथिंग सेक्शन जिसमें आपका टैब्स वगैरह आपका शार सब कुछ लगा हुआ है गीजर के लिए आपके एग्जॉस्ट के लिए सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे टाइलिंग की अगर मैं बात करूंगी तो वॉल पे आपका जो टाइल्स है वो आपका ग्लॉसी लुक के साथ आ जाएगा फ्लोरिंग आपकी सारी एंटेस्कट रहने वाली है जो डोर रहेंगे आपके पूरे ही घर में वो आपके टीकुड के रहेंगे एंड साइड की जो चौघाट आ जाएगी आपकी डब्ल्यू की रहने वाली है एंड देन इस साइड आ जाएंगे हमारे बाकी दो रूम तो दिस इज आर सेकेंड बेडरूम सो इनमें देख सकते हैं आप अगेन सेंटर में बेड है हमारा साइड में टेबल्स आ जाएंगे उस साइड आपके कबर्स हैं यहाँ पे आपका वॉशरूम है सामने वाली वॉल पे आ जाएगा एलईडी पैनल के लिए स्पेस काफी बड़ी वॉल है तो जितना मर्जी बड़ा पैनल आप लगाना चाहें आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं वॉशरूम की अगर हम बात करेंगे तो so ये भी आप देख, देख सकते हैं वॉशरूम आपका काफी ज्यादा स्पेशियस रहने वाला है सेम बेसिन आ जाएगा आपका आपका सीट है बाथिंग सेक्शन कंप्लीट आ जाएगा इस वॉशरूम में जो आपकी टाइल्स यूज़ करी गई हैं वो आपकी मैट फिनिश के साथ आ जाएंगी एंड डिफरेंट टाइल्स हैं उस वॉशरूम में आपको अलग टाइल्स मिल रही थी विद ग्लॉसी लुक इसमें आपका सारा मैट फिनिश के साथ आ जाएगा एंड कलर भी अलग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो आ जाएगा एंड uh, एग्जॉस्ट के लिए आपकी गीजर के लिए सारे प्रोविजन मिल जाएंगे आपको एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगी हमारी बाल्कनी जो हमारे घर की बैक बालकनी है जिसमें कुछ इस तरीके का स्पेस रहेगा सिक्स फीट वाइड बैल्कनी आपकी रहने वाली है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सामने वाला अपार्टमेंट है दोनों के बीच में कितना गैप रहने वाला है ये पूरा ओपन स्पेस रहेगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन यही जो बैल्कनी है आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी इस साइड आ जाएंगे हमारे कबर्ड स्लाइडिंग डोर एज इट इज कबर्ड आपके मिलने वाले हैं जिनमें आप अपना सारा स्टफ इजिली रख सकते हैं सो so, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम एंड आफ्टर दिस यहाँ आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम विच इज योर मास्टर बेडरूम साइज इसमें भी आप देख सकते हैं आपका सेंटर में बेड लगा हुआ है साइड टेबल्स हैं उस साइड आपके कबर्स आ जाएंगे सेम यहाँ पे आपका वॉशरूम रहेगा सामने वाली वॉल पर आपका एल ई डी पैनल आ जाएगा आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मीर वर्क भी कर रखा है काफ़ी ब्यूटिफुल सा इसी के साथ आपकी बालकनी भी कनेक्टेड रहेगी जो अभी मैंने आपको दूसरे रूम से दिखाई है फॉल सीलिंग एज इट इज रहने वाला है जिसमें आप लाइटिंग भी देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटिफुल सी वॉशरूम की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो जो आपका लाइटिंग रहने वाली है वो आपकी ऑटोमेशन के साथ रहने वाली है सेंसर लाइट्स यहाँ वाथिंग सेक्शन आ जाएगा देन सीट यहाँ पे आपकी बी सिस्टम के साथ अगेन बेसिन आ जाएगा आपका यहाँ पे जो आपकी टाइल्स रहने वाली हैं ग्रेश कलर की हैं ग्लॉसी लुक के साथ हैं फ्लोरिंग आपकी सारी एंटेस्किट आ जाएगी गीजर के लिए आपके एग्जॉस्ट के, के लिए सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे आपको इस साइड एल पैनल के लिए स्पेस जो मैंने आपको दिखाई दिया है इस साइड आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स अगेन विद स्लाइडिंग डोर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सो so, ये था हमारा थर्ड बेडरूम सो so गाइज ये था हमारा आज का अपार्टमेंट इन 150 फिफ्टी यार्ड जो मैंने आज, आज आपको दिखाया है आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय